21 साल की उम्र में इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा था अलविदा। पंखे से लटक कर दी थी अपनी जान। खुदकुशी के पहले लिखा था एक लेटर। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। टीवी के सुपरहिट शोज हिप हिप हुरे, रिश्ते, क्यों होता है प्यार, कुमकुम और कुसुम में अपनी शानदार अभिनय से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हुई हैं। कुलजीत का निधन 8 फरवरी 2006 में हुआ था। उस वक्त वो सिर्फ 30 साल की थी। जब कुलजीत अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तभी उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। कुलजीत के अचानक खुदकुशी करने की खबर सुन हर कोई हैरान था। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कुलजीत ने ऐसा कदम उठाया है। कुलजीत मुंबई में अपने ही फ्लैट में फंदे से लटकी हुई पाई गई थी। निधन से पहले वो एक नोट भी छोड़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस नोट पर साफ साफ लिखा था कि किसी को भी उनकी खुदकुशी के लिए दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिए। नोट में ये भी लिखा था कि वो जीवन के किसी भी दबाव का सामना नहीं कर सकी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने ऐसा कदम प्यार में धोखा खाने के बाद उठाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुलजीत के निधन के बाद ऐसी खबर भी सामने आई थी, वो अपने पूर्व सह कलाकार भानु उदय के साथ प्यार में थी और उनके संबंध में खटास आने के बाद कुलजीत ने ऐसा कदम उठाया था। आपको बता दें, कुलजीत ज्यादातर उन सीरियल्स में ही नजर आई थी जो एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे। कुलजीत अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी।